भोजन नहीं मिला, व्याकुल है राजा, जर्जर शरीर हो गया। भैया जी से दो दिन भोजन नहीं मिलता है, चक्कर आने लगते हैं। सात दिन तक हम जब व्रत रहते हैं, नौ दिन तक दुर्गे माँ का, नौ दिन व्रत रहते हैं, और जबकि हम भोजन ही तो नहीं खाते, और तो पूरे दिन पेट भरो ही रहे, कहवे के लिए व्रत है, लेकिन बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं। आज गजर को हलवा है, सवेरे सेव को नाश्ता है, दोपहर में केला है, शाम को बड़ी मस्ती है, नौ दिन तक बड़ो बढ़िया बढ़िया मैं तो कहता हूँ व्रत है, लेकिन राजा को वो भी नहीं मिलता। 26 दिन हो गए राजा को भोजन नहीं मिला, जर्जर शरीर हो गया। तो राजा रानी से कहने लगे महाराज, और बोले प्यारी मेरा गड़ा उठवा दो, इनकार कर दिया। तो फिर बोले और कैसी गई वो सरूठ, और कैसी गई वो सरूठ, और कही दो साची रे समझ गए।
समझ गए राजा, क्योंकि रानी की हर बात को वो मानते थे और मन में भी विचार करते थे कि यदि मेरे जीवन में ऐसी पत्नी ना मिलती तो मैं अपने धर्म को कभी बचा नहीं सकता था, क्योंकि मेरे अंदर वो सामर्थ नहीं था। जवाब दिया नाथ, मैं तुम्हारा घड़ा तो छू नहीं सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक युक्ति बताऊंगी। घड़े को भर लो, जल के ऊपर रख लो, नीचे डुबकी लगा करके उस घड़े के नीचे अपना सर कर लेना, आसानी से तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। राजा ने इसी युक्ति से घड़ा उठाया और घड़ा लेकर के अपने मालिक के यहाँ पर पहुंचे। जर्जर शरीर हो गया था राजा का, सीढ़ियों पर कदम रखा पैर फिसल गया, मिट्टी का घड़ा जैसे ही जमीन पर आया तो टूट गया। केने लगा सुपंच, ए हरिया, क्या तूने घड़ा तोड़ दिया? अरे बरसों से पुराना मेरा घड़ा और आज तूने तोड़ दिया? ठीक है, आज से तू पानी भरने के लायक नहीं रहा है। हाथ में लाठी ले ले, काले कपड़ों को धारण कर ले, मरगट की रखवाली करना, जो विधा संस्कार करने आए उस पर कर लिया करना, यही मेरा आदेश है। बारी प्रभु, जिस राजा के इशारे से प्रजा नाचती थी, राजा एक बात कह देते थे तो राज्य में तहलका हो जाता था। आज वही राजा एक दास बनकर के रह रहा है, मेहतर के यहाँ का पानी भर रहा है,